तो गाइस मरी में एंजॉय कर करके मुझे बुखार हो चुका है, मेरे से कपड़े भी नहीं चेंज हुए और ऐसे ही अब हम इस्लामाबाद में आ चुके हैं और अब हम लोग हैं सेवर फूड्स पे और इसके बाद अब हम लोग जाएंगे आई थिंक सोसन जॉर्ज पे जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे वापस, फिर वापस चलेंगे सेवर फूड पे। हम लोग बिरयानी खाने के लिए आए हैं तो वो भी आएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। थी वो बिरयानी, शादी ने सबसे पहले शुरू कर दी। हेलो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं फैसल मस्जिद, हम थोड़ा सा करीब जाके आपको व्यू जरूर दिखाएंगे। बस ये आज की हमारी लास्ट लोकेशन है, इसके बाद हमने वापस चले जाना है। देख सकते हैं आप फैसल मस्जिद हम आ चुके हैं, ये आपको हम लोग अंदरूनी मनाजर से आगाह कर रहे हैं। ये कौन है? ये सर, ये हमारे सर हैं जो कि बहुत अच्छे सर सर आसिम है ये। गाइस अब हम लोग फैसल मस्जिद के ऊपर जा रहे हैं ताकि आपको डिटेल में दिखा सके। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी फोटो बनाई है यार, मेरे भी अब बनानी है जल्दी कर। आज सुनिए मैं व्लॉग में लेता हूँ, रहने दे काला काट आ रहा है यार, मैं तस्वीर बना दे, तस्वीर बनाता हूँ। चलो ये है जी हमारी फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में, अभी हम लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं फिर वापस आके थोड़ा सा आपको मज़ीद डिटेल में अंदर से दिखाया जाएगा इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिला तो। ये हम आपको अंदरूनी मनाजर में ले आए हैं, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, आपको साथ साथ दिखाते रहते हैं ताकि नॉलेज में इजाफा हो जाए। ये साथ मेरे शाजिर भाई हैं, हमने वज़ू कर लिया है और हम लोग नमाज के इरादे से जा रहे हैं, इरादे से जाते हैं पढ़ने के लिए। तो गाइस अब आपको यकीनन अच्छी तरह से दिखाई दे रही होगी और अंदरूनी मनाजिर पे भी हमने थोड़ी सी रोशनी तो डाली है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि आपको कुछ और मज़ीद डिटेल दिखा सकें। वो जो आपको जगह दिखाई दे रही है वहाँ पे हमने अभी अभी नमाज़ पढ़ी है ईशा की और अब हमने सीधा अपने घर वापस रवाना हो जाना है फैसल मस्जिद के बाद। तो इसी के साथ हो सकता है हमारा व्लॉग ख़त्म हो जाए, तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, थैंक यू सो मच। और हो सकता है कि वीडियो और भी चले, सो स्टे कनेक्टेड। अब आपको हमारा फ्रंट भी दिखाई दे रहा है और बैक भी, मतलब मस्जिद की बैक ही है और फ्रंट ये आपको दिखाई दे रहा है सामने, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी मस्जिद है। हम लोग इस वक्त मस्जिद की छत पर मौजूद हैं, ये उसका पीछे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। ये अब हम आपको फैसल मस्जिद की छत से ये बाहर का व्यू दिखा रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और ये उसकी जो सामने वाली ये जो अंदर उसका सहन है ये सब कुछ, ये उसका फ्रंट है छत पर, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। अब हम लोग ये सेंट जॉर्ज पे हैं इस वक्त, जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल है, थोड़ी देर के लिए हम लोग आए हैं तो मैंने सोचा आपको दिखा ही दूँ। हम लोग सेंट जॉर्ज में एंटर हो चुके हैं, हम अब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या होगा। पहले हम आपको छोटी सी झलक दिखा देते हैं, कुछ इस टाइप का व्यू है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे कुछ सर हैं जो सेल्फीज ले रहे हैं। ये देखें गाइस अभी आए ही हैं तो यहाँ पे फोटो शूट शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं इस वजह से। अभी हम लोग आपको जगह जगह पर जाके सीन्स दिखाएंगे। अब हम लोग इन स्टेज पे चढ़ के ऊपर जाने लगे, ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड। ए 1 2 3 गो। हम लोग आ चुके हैं, हमें बहुत जल्दी है तो हम लोग भाग के भी चले गए यहाँ पे कुछ कुछ, और इधर आगे हो जाएगा साइड पर जा।
ये देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा ही ब्लॉगिंग चल रही है यहाँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? पहुंचने वाले पर हम लोग पहुंच चुके हैं। दो मिनट खुलो यार, दो मिनट खुलो यार, चल गाइस जल्दी जल्दी आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा मिला है, हमने सिर्फ विजिट करना है आधे घंटे के अंदर सारा मॉल। तो स्टे कनेक्टेड मेरी डायलॉग है। हम लोग बस जल्दी जल्दी देख के जा रहे हैं। तो गाइस नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड थर्ड फ्लोर टू सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बन रहा है। गाइस हमें अपने व्लॉग के दौरान कुछ लोग मिले हैं, जैसे कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? और ये एक और लड़का है जिसका नाम है मास्क बॉय। चलो भाई मास्क बॉय, ये भी सैयद है। चलो इधर इधर इधर। सो गाइस हमने इस पूरे फ्लोर का भी हल्की सी झलक में विजिट कर लिया है, अब हम लोग इससे भी ऊपर वाले फ्लोर पे जाने लगे हैं, तो चलते हैं। ये देखें ये क्या चीज़ है, मुझे तो इस सूट की समझ नहीं लग रही है क्या चीज़ ये। साड़ी और साड़ी का मिक्सचर ही है, साड़ी और कमीज का। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग अगले फ्लोर की तरफ मूव करने वाले हैं। लेट्स वी गो। काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ओ यार तू खुद ही चल पड़, ये तो बहुत स्लो है, तेज चल पड़। हम लोग अगले फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक स्टेशनरी की शॉप नजर आई है, तो यकीनन हमें यहाँ पे विजिट करना चाहिए। गाइस इस वाले फ्लोर पे कुछ नजर नहीं आया, हम लोग फिर से अगले फ्लोर की जाने मूव कर रहे हैं। और नहीं तो आपको हम लोग सारे फ्लोर का बता तो रहे हैं कि कितने फ्लोर हैं। ये देख सकते हैं आप लोग बैक साइड कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। तो हम लोग आ चुके हैं, आई थिंक सो ये लास्ट फ्लोर है। चलो भूख लगी कुछ खा लेते हैं। तो गाइस अब हमने मैकडोनल्ड्स, हाँ ठीक है। तो गाइस हम लोग अपने ब्लॉग के दौरान काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना मैकडोनल्ड से कोई शेक ले लिया जाए। तो हमने ऑर्डर किया आइसक्रीम शेक, जो कि हमें बहुत जल्द डिलीवर हुआ। अगर आप लोग यहाँ पे आएँ तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो अब हम लोग लिटरली इस, ये जो बिल्ली है ना इसने मुझे डराया है। तो गाइस अपने व्लॉग के दौरान मुझे ये प्यारा सा टेडी बेयर मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी प्राइस पूछ लूँ। तो इसकी बस प्राइस है 25,000। काफ़ी कम है कि ज़्यादा प्राइस है, शायद थोड़ी सी ज़्यादा ही है। डोनल्ड का जूस पीने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, तो हमने सोचा क्यों ना फ्रेश जूस पी लिया जाए ऑरेंज का। तो अब हमने इस शॉप का इंतखाब किया, और आई होप कि इनका जूस बहुत मज़ेदार होने वाला है। सो देखते हैं कैसा होगा। सुनाओ अब हमने ऑरेंज जूस लिया है, तो आपको भी बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। यार वीडियो बना ली, वीडियो बना ली। ओके जी ये मत कराओ, बिलीव मी ये मैकडोनल्ड वाले से ज़्यादा मज़े का। तो भाई सीरी सी बात है, वापसी के रास्ते पे मुझे तो फिर से भूख लग गई, रात के 2 बज रहे हैं और कुछ नहीं खुला हुआ, तो फिर मैकडोनल्ड कब काम आएगा। तो मैं फिर से मैकडोनल्ड पे आ चुका हूँ, और मैंने अपना हैप्पी मील ऑर्डर कर दिया है, अभी मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जी मैकडोनल्ड वालों ने कह दिया कि अभी हमें 10 से 12 मिनट है, तो हमने सोचा कि क्यों ना वेट कर लिया जाए। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमारा ऑर्डर आए, मेरा हैप्पी मील आए और हम लोग खाएं। तो गाइस अब हमारा हैप्पी मील आ चुका है, और हम किसी अच्छी सी जगह पर जाके इसको खाएंगे। तो अब बस मेरा व्लॉग यहाँ पे खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। तो गाइस मेरे हैप्पी मील में एक अदर तो ये जिंगर बर्गर है, और साथ में ये फ्राइज़ हैं, और एक और ये भी अच्छे वाला बर्गर ही है। तो मुझे बहुत मज़ा आया, साथ में ये ड्रिंक भी है। ओके अल्लाह हाफिज़।